डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉन्क्रू रहता है उसका मास्टर पपेट सासुरी का ही पपेट रहता है, यानी सासुरी का डेमो वाला पपेट रहता है। और सासुरी यहाँ पर जो कॉन्क्रू रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें इस पपेट से हराऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सासुरी का दिखने वाला कॉन्क्रू का पपेट रहता है। और यहाँ पर जो कॉन्क्रू जो सासुरी रहता है वो कॉन्क्रू को कहता है ये तो मेरा ही पपेट है। और यहाँ पर जो सासुरी को जो कॉन्क्रू रहता है वो सासुरी को उसके ही पपेट से हराने के लिए चैलेंज देता है। यहाँ पर साई का भाई खड़े रहता है और यहाँ पर वो खड़े रहकर सब कुछ देख रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्याकुगन वाला निंजा यहाँ पर साई के भाई को देखता है और उसे शक जाता है। जहाँ पर वो अपनी ब्याकुगन से देखता है और सभी लोगों को बताता है कि साई के भाई के बदन के अंदर पूरे ही बदन के अंदर डेटिनेटिंग क्ले है, यानी बॉम्ब है। और यहाँ पर ये देखकर जो कॉन्क्रो रहता है वो कहता है कि तुम लोग कवर में जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉन्क्रो रहता है वो साई के भाई से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सासुरी जो रहता है वो साई के भाई को अपने थ्रेड की मदद से कंट्रोल करता है और वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर कॉन्क्रो अपने पपेट की मदद से साई के भाई को एक ऐसे चेंबर जैसे उसमें बंद कर देता है ताकि अगर वो बॉम्ब फटे तो किसी को चोट ना लगे। और यहाँ पर जो साई रहता है वो खड़े रहकर दिख रहा होता है और उसे चिंता रहती है कि उसका भाई अब ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ स्टाइल वाला निंजा रहता है वो भी अपने आजू बाजू एक गोल दीवार बना लेता है कि उन लोगों को बम से कुछ ना हो। और यहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि बम फटे और तब तक के लिए वो यहाँ पर रुकने वाले रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बम रहता है वो बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम ओमोई को देखते हैं, जो कॉन्क्रोच रहता है वो ओमोई को बचा लेता है। साई को चोट लग जाती है जिसकी वजह से साई दूर जाकर उड़ जाता है और साई के बैग से चीज गिर जाती है और उस सामान के अंदर यहाँ पर साई के भाई की बुक रहती है, जिसके अंदर साई की बुक रहती है और यहाँ पर साई का भाई भी रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सासुरी और जो देदरा रहते हैं वो ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो साई का भाई रहता है वो पूरी तरीके से वापस रिटर्न आ जाता है, क्योंकि ये लोग की जब तक सील जो सोल रहती है वो सील जब तक नहीं होगी तब तक वो लोग मरने नहीं वाले, इसलिए यहाँ पर साई का भाई रिटर्न से आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो सासुरी रहता है उसको ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पर जो साई का भाई रहता है वो खड़े होकर देख रहा होता है। अब यहाँ पर साई को गुस्सा आ जाता है क्योंकि साई के भाई को उन लोगों ने ब्लास्ट किया और साई के भाई की मदद से उन लोग ये सब काम करा रहे हैं, और इसलिए वो यहाँ पर गुस्से में आकर अपना स्क्रोल निकालता है और उसमें यहाँ पर अपने साई जो रहता है वो अपनी इंक की मदद से यहाँ पर अपने स्क्रोल के अंदर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो साई की बुक रहती है उसकी हवा से पेज पलटने लग जाते हैं और साई का भाई देखता है कि उन दोनों का हाथ मिला हुआ है और वो उस साई की बुक देखकर उसे याद आने लग जाता है उसके पुराने दिन। और हम जाते हैं फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पर साई ड्राइंग बना रहता है और साई का भाई देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर साई कहता है कि मैं जब बुक खत्म होगी तब आपको बता दूंगा, अभी बुक बाकी है। और यहाँ पर जो साई का भाई है उसने फाइनली देख लिया है उनकी ड्राइंग। यहाँ पर जो साई रहता है वो गुस्से में अपनी चील पर बैठता है और अचानक से अपने इंक से ड्राइंग बनाने लग जाता है, जहाँ पर वो बड़े से दो बीस्ट बनाता है और यहाँ पर वो दैदरा और साथ ही साथ जो सासुरी रहता है उसको पंच मारता है और वो दोनों जाकर जमीन पर गिरते हैं, जहाँ पर उनको कॉन्क्रो अपने पपेट के अंदर सील कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओमोई रहता है वो अपनी थंडर स्वॉर्ड की मदद से जो दैदरा रहता है उसके बदन के आर पार डाल देता है ताकि वो अपने बॉम्ब्स का अटैक बॉम्ब्स इस्तेमाल ना कर पाए। और यहाँ पर वो लोग देदरा को बंद कर देते हैं और साथ ही साथ सासुरे को भी। यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने भाई को देख रहा होता है और यहाँ पर साई जो रहता है वो भी अपने भाई को देख रहा होता है, जहाँ पर साई अपने भाई को देखते हुए वापिस से फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं साथ में और वो लोग यहाँ पर अपने पेड़ के ऊपर घुनाइफ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं और अच्छी तरीके से अटैक भी करते हैं। जहाँ पर जो डॉन्जो रहता है वो देख कर कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। जहाँ पर जो
जहाँ पर जो डॉन्जरित है जो उन दोनों को अपने यहाँ पर ब्लैक ऑप्स में लेने के लिए बोल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साई का भाई रहता है उसे अचानक से खांसी आती है और वो जाता है पेड़ के पास जहाँ पर उसको खांसी होती है और उसके मुंह से एक खून निकलता है, पर वो साई को कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर रात होती है और साई और उसके दोनों भाई दोनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो साई रहता है जो साई का भाई रहता है वो साई को गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट के अंदर वो डायरी देती है, जहाँ पर साई उस डायरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और साई कहता है कि इस डायरी के अंदर मैं हम दोनों की एल्बम बनाऊंगा और बाहर के कवर के पेज में हम दोनों की फोटो रहेगी। और यहाँ पर जो साई का भाई रहता है वो साई को कहता है कि अगर तुम्हारी ड्राइंग पूरी हो जाएगी तो मुझे दिखा देना। और यहाँ पर जो साई रहता है उस बुक को खोलता है और वो डायरी के अंदर अपनी बुक बनाने के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैं इसके अंदर हम दोनों की ड्राइंग बनाऊंगा और हम दोनों के बाहर फ्रंट पेज के अंदर एक तरफ तुम्हारी रहेगी ड्राइंग और एक तरफ मेरी ड्राइंग रहेगी। और यहाँ पर साई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साई को बचपन से ही आर्ट वर्क का पहले से ही शौक था और वो हमेशा ड्राइंग बनाते रहता था, इसलिए उसके भाई ने साई को बुक दिया था ताकि वो उसमें ड्राइंग बना सके। और ये स्केच बुक देखकर साई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने भाई को थैंक्स कहता है। और यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं जहाँ पर वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर उनका एग्जाम का आखिरी दिन रहता है, जहाँ पर उन लोगों को पहले से ही पता था कि ये दिन आने ही वाला है एक ना एक दिन, जहाँ पर डॉन्जो साई और उसके भाई को कहता है कि तुम दोनों को अब एक दूसरे से लड़ना है और तुम दोनों को एक दूसरे को जान से मार देना है, या तो कोई एक ही जिंदा बचना चाहिए इस लड़ाई में, तुम दोनों को लड़ते रहना है, मैं 3 दिन बाद आऊँगा और अगर 3 दिन बाद भी तुम दोनों में से कोई भी जिंदा बचा रहा तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, अब फैसला तुम दोनों के ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साई जो रहता है वो अपने भाई से लड़ नहीं सकता है क्योंकि उसे पहले से पता रहता है कि एक ना दिन ये ज़रूर आएगा जब डॉन्जो उन दोनों को लड़ाएगा। साई यहाँ पर अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला रहता है और वो सोच रहा होता है और वो बोलता भी है कि मैं कैसे लड़ूंगा तुमसे भाई, मैं नहीं लड़ पाऊंगा तुमसे। जहाँ पर हम देखते हैं कि साई का भाई कुनाइफ निकालता है और यहाँ पर वो साई की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साई कहता है कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो भाई, जहाँ पर साई का भाई कहता है कि ये हमारा एग्जाम है और हम दोनों में से किसी को एक को ही जिंदा रहना होगा, जहाँ पर साई का भाई अपनी स्वॉर्ड निकाल कर आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक से साई को भाई के अचानक से खांसी आना शुरू हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, जहाँ पर साई अपने भाई को देखने के लिए आता है और उसका भाई साई के गले पे कुनाइफ रख देता है। और यहाँ पर साई दमी चौक जाता है और उसे लगता है कि उसका भाई उसे मार देगा, पर ऐसा नहीं होता। साई का भाई अचानक से खांसना शुरू करता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खून आना शुरू होता है, जहाँ पर ये देखकर साई चौक जाता है और वो कहता है कि ये कब से हो रहा है। जहाँ पर साई का भाई कहता है मुझे ये बीमारी है और ये बचपन से है, जहाँ पर साई के भाई इसको पता रहता है कि वो हारने वाला है और उसे बीमारी रहती है। और यहाँ पर ये बात डॉन्जो की भी पता रहती है कि उसके भाई को बीमारी है, जहाँ पर साई कहता है कि हम इसका कुछ ना कुछ कर देंगे, जहाँ पर साई का भाई कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मेरा आखिरी टाइम है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो उसके भाई को मरता हुआ देख वो बहुत ही ज़्यादा बुरा चौंक जाता है और वो बहुत ज़्यादा बुरा भी फील करने लग जाता है। जहाँ पर साई का भाई जो रहता है वो साई को कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर इमोशंस को हावी होने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए साई तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपना चाहे कुछ भी हो जाए अपने इमोशंस को दिखाना नहीं है और फील नहीं करना, क्योंकि तुम एक ब्लैक ऑप्स हो और अब तुम्हें यहाँ पर अपने इमोशंस को फील करना नहीं है जरा भी, और तुम्हें बिना इमोशंस का वाला बनना होगा। और यहाँ पर साई के भाई के ये लास्ट वर्ड रहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अंदर के जितने भी इमोशंस है उसको निकालने होंगे क्योंकि तुम्हारे इमोशंस एक ना एक दिन तुम्हें मरवा देंगे। और यहाँ पर उसके भाई की डेथ हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि साई और यहाँ पर उसके भाई एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साई यहाँ पर हंसता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हारी ड्राइंग देख ली और मुझे वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साई की भाई की जो फीलिंग्स रहती है उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है और जो साई का भाई रहता है वो अचानक से मरना शुरू हो जाता है और उसकी सोल मर जाती है, जिसकी वजह से साई का जो भाई रहता है वो मर जाता है और यहाँ पर वो एक भूसा जैसा बन जाता है। और यहाँ पर ओमोई और साई को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सासुरे रहते हैं उसे यहाँ पर कॉनक्रो सील करके रखता है और उसके अंदर तलवार घुसा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉनक्रो कहता है कि लेडी चियो ने मुझे सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम मर चुके हो, अब तुम अपनी दुनिया में रिटर्न जाना चाहिए, हमें सब सौकरा ने सब कुछ बता दिया था कि आखिर वहाँ पर क्या क्या हुआ था और उसने कैसे किस तरीके से तुम्हें मार दिया था और तुम्हारी कमजोरी क्या है और इसलिए मैंने तुम्हारे पपेट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर
हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सौकरा रहती है वो यहाँ पर देखती है और लेडी चियो यहाँ पर अपने स्क्रोल खोल के उसके अंदर से बहुत सारे पपेट्स निकालती है जिससे वो सासुरी से लड़ सके। यहाँ पर सासुरी अपने 100 पपेट्स निकालते हैं और लेडी चियो अपने कुछ पपेट्स निकालती है और वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जो कॉन्करू रहता है वो कहता है कि तुम देख लो तुम्हारे क्या हालात आ चुके हैं, तुम पहले एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर और एक बहुत ही ज़्यादा पपेट मास्टर निंजा थे और तुम्हारा स्पाई था काबूटो और तुम अपने काबूटो को अपने अंदर कंट्रोल करते थे, पर अब देखो वक्त बदल गया जहाँ पर काबूटो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और एक महान निंजा होने के नाते तुम्हें तुम्हारा ही स्पाई कंट्रोल कर रहा है, ये एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो सकती है। कॉन्करू कहते हैं तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, तुम्हारे जो पपेट जुत्सु है वो हमेशा के लिए सालों साल जिंदा रहेगा जब तक यहाँ पर शिनो भी रहेगे और मेरे जैसे शिनो भी रहेगे जो आगे लेकर जाएंगे। अब तुम यहाँ पर अगले पपेट मास्टर नहीं हो, अब अगला पपेट मास्टर मैं हूँ जिसका नाम है कॉन्करू। जहाँ पर हम देखते हैं कि सासुरी कॉन्करू का नाम लेता है और सासुरी की भी सोल यहाँ पर टूटने लग जाती है और सासुरी की भी डेड हो जाती है। जहाँ पर देदेरा कहता है हे सासुरी तुम उस बकवास की लड़की की बात नहीं सुनो, वो उसकी बात नहीं सुनो, ऐसा मत करो तुम, और यहाँ पर देदरा जोर जोर से चिल्लाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सासुरी यहाँ पर कॉन्करू को कहता है कि कॉन्करू तुम जाओ और मेरे जो माँ बाप के जो पपेट्स है उनके पास मेरा पपेट्स रख दो क्योंकि उनके अंदर अभी भी सोल है। जहाँ पर कॉन्करू कहता है मैं ऐसा कर दूंगा, साई अपनी भूख उठाता है और यहाँ पर वो अपने भाई को देख रहा होता है। जहाँ पर उसका भाई अचानक से ही उसकी सोल टूटने लग जाती है और वो मर जाता है और इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहते हैं लगता है ये जुत्सु अभी भी कमजोर है और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब एनिमे आसपास ही है और हमें जल्द से जल्द ये खबर सभी लोगों को देनी होगी कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर काबूटो रहता है वो अनको को अपने स्नेक्स की मदद से पकड़ के रखता है। जहाँ पर माजर आता है और माजरा कहता है ये हमारे हाइड आउट के इतना नज़दीक थी और ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। जहाँ पर काबूटो कहता है मुझे पता था ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। जहाँ पर माजरा सोचता है कि ये काबूटो को पता था, ये सांप को पता था कि ये इतनी नज़दीक आ गई है और इसने हम लोगों के नज़दीक भी आने दिया, आखिर इसका क्या प्लान है और ये ऐसा क्यों कर रहा है जबकि इसे पता था कि एनिमी इतना नज़दीक है, उसके बाद भी इसने ऐसा किया। और यहाँ पर जो माजरा रहता है वो यही सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे लग रहा है कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है, पर सच बात तो ये है कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो माधर रहता है वो यही सोच रहा होता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ काबूटो का, और यहाँ पर वो मन ही मन हंस रहा होता है और यहाँ पर वो अंकु को देख रहा होता है। जहाँ पर जो काबूटो रहता है वो अंकु को पकड़ के रखता है अपने कुछ काम की वजह से और यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो कहता है कि अब मैं जो अंकु है उसके अंदर से ओरोचिमारू के कुछ सेल्स निकाल लूंगा। और यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरा जो रीएनिमेशन जुत्सु है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है और उसे पता चल जाता है कि उसके दो जो टीममेट्स हैं वो मर चुके हैं, वो भी बिना किसी के सोल किए। और यहाँ पर जो माधरा रहता है वो काबूटो के बारे में सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। Yeah.